अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अरे मेरी आंखें नजर आ रही हैं आपको यार, मेरा बेड कंप्लीट हो गया माशाल्लाह से, मेरी सीढ़ियों की रीलिंग लग गई है यार, कसम से यार, इतनी मेहनत से मैंने घर बनाया, इतनी मेहनत से कि आप लोग तो खाली सिर्फ देखते हो ना, मैं इस घर में 24 घंटे रहती हूँ यार। एक तो था ना कि मैं किराए के घर में रह के बना रही थी, एक जो मैंने ये घर में रह के इस घर को बनवाया है, स्कर्टिंग नहीं हुई हुई, टाइल्स नहीं लगे हुए थे, कच्चे फर्श थे, किचन नहीं था बना हुआ, चूल्हा ऐसे नीचे काउंटर पे पड़ा होता था और नीचे काउंटर पे रख के बर्तन धोना था। मैंने मेड कप लगवाई है अपने घर में, जो मेरी हेल्पर आती है वो मैंने लगवाई है फरवरी में भी हमारे घर में मेड नहीं थी जब मेरी बर्थडे थी, मैंने आई थिंक मार्च से लगवाई है हेल्पर और ये उसका तीसरा महीना है मई हमारे घर में। तब तक अक्टूबर से लेके फरवरी तक घर के सारे काम मैं खुद करती थी, उसी में बच्चों को स्कूल भेजना, ट्यूशन भेजना, वीडियोस भी बनाना, ब्लॉग्स, ब्रांड्स के काम, सारा कुछ। और बीच में ब्रांड्स मेरे से नाराज़ होने लग गए थे क्योंकि ब्रांड्स को होता है कि यार बैकग्राउंड अच्छा हो, वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो, पर बैकग्राउंड कहाँ से अच्छा लाती, घर पे पेंट ही नहीं था हुआ। और आज सीढ़ियों की रेलिंग लगी है यार, मैं कहती हूँ अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ना कम है, आप यकीन करो। रोज़ सुबह उठती हूँ ना और नाश्ता बनाने के लिए नीचे जाती हूँ ना, पहला लफ्ज़ मुझे निकलता है या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने अपनी छत दी, अपना घर दिया, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। महीने की पहली को कोई किराया मांगने नहीं आता, बच्चे ऊपर नीचे फिर रहे, कोई बोलता नहीं है कि शोर हो रहा है बच्चों को रोको, या कोई पार्सल आता है तो कोई तंग नहीं होता, कितना मैं शुक्र अदा करूँ। अभी मुझे मेरा बेड देख के मुझे इतना रोना आ रहा है, पता नहीं खुशी यहाँ से है मेरे के। बेशक अल्लाह ताला कहता है ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो ये रीलिंग इतनी खूबसूरत आई है सीढ़ियों के, इतनी खूबसूरत रीलिंग जो मैं चाहती थी कि ऐसी बने, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वैसी वो बनी है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला सही बोलता है कि मेरा बंदा सब्र तो करे, हर मुश्किल के साथ आसानी है। हर मुश्किल आपको बेड दिखाऊंगी, आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे क्योंकि इस घर की एक एक ईंट लगते आप लोगों ने देखी हुई, और आप सब लोग भी इस घर से वैसे ही इमोशनली कनेक्टेड हो जैसे मैं हूँ। मेरे बच्चे वीडियोज देखे और उनको पता हो कि यार कैसे मेरे माँ बाप ने मेहनत से ये घर बनाया, और कितनी दफ़ा वो कास के हाथ और पैर छिले, कोनियाँ छिली, अंगूठे के नाखून उतरे घर के काम करते हुए, फिलिंग वकास ने खुद की है इसकी घर की, कितनी चीज़ें हैं जो घर के ग्रिल है, सेफ्टी ग्रिल्स तक वकास ने खुद पेंट किए। अभी मुझे कहते सीढ़ियों का कौन सा कलर तुमने करवाना है, मैं पेंट कर देता हूँ तुम्हें ला के। मतलब ऐसे हम लोगों ने इस घर की एक चीज़ बनाई है, बीच में मुश्किलें भी बहुत हुई हैं। कैसा लग रहा है बेड? देखो चीजें खा कर आए, नगेट्स फ्राई करवाए, केचप से मुंह भरा हुआ है सारा। नगेट्स आ के आए हो? हाँ। कैसा बने थे नगेट्स? अच्छे बने थे। पहले बताओ बेड कैसा बना? अब आज बेड कैसा बना है? अच्छा बना भैया। पसंद आया आपको बेड? किसका बेड है? वो है मामा का बेड, पिंक वाला बेड है मेरा। व्हाइट वाला बेड किसका है? व्हाइट वाला तो कोई बेड ही नहीं है, गाड़ी वाला बेड है, बोला जब आज का। पिंक वाला है तस्वीर और मिर्च का, और ग्रे वाला है मामा पापा का। ठीक है, बुला ले ले वो बेड, कौन सा व्हाइट बेड है हमें पता ही नहीं, हमारे घर में कोई व्हाइट बेड भी है, मुझे रोना आ रहा है। हमारी सीढ़ी की रीलिंग कैसी लगी है? अच्छी लगी है, पसंद आई है आपको? मुझे बहुत रोना आ रहा है। ए बदतमीज औलाद, सारे मुंह पे केचप लगा गया, ये भी केचप। अब मुंह धो के आ जाओ, पहले मुंह धो के आ जाओ। आप केचप खाया आपने? दिखाओ, सारी केचप लगी, जाओ मुंह धो के आओ, दोनों गंदे मुंह धो कराओ, गंदो। वकास बुला रहे हैं नीचे के बेड तैयार हो गया, आके देख लो कितना डस्ट कहाँ से आया, ये मेरे चप्पल भी पहन के नहीं आए। सो भाई फाइनली जो है बेड बन गया है, मैं ऐसे व्लॉग नहीं लगा सकी थी, उसकी मसरूफियत क्या क्या चल रही थी वो सारा बताती हूँ। अच्छा, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सोलर स्टार्ट हो गया है। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि आपको पता है बेड कंप्लीट हो गया था, दो तीन दिन हो गए वो भी, बट मैं शेयर नहीं कर सकी यार। उसका रीज़न ये था, अभी बेड वाले कमरे में ही आई हूँ, बेड दिखाती हूँ हम लोगों को। उसका भी रीज़न ये था कि ना घर में काम हो रहा था ना, तो आपको पता है बेड भी जो है वो 3-4 दिन लगे हैं, आई थिंक सुबह आते थे लड़के रात को जाते थे, तो वो लगा के गए, क्योंकि ये वाला जो बेड है ना वो ऐसा है कि ये आके बनाना पड़ता है जगह के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ ये है कि
फिर साथ सोलर वाले लगे हुए थे, सोलर वालों का काम तो 8 या 9 दिन चला है। कल रात को वो लोग गए हैं 9 बजे के करीब सोलर हमारा रेडी करवा के चला के हमारा सोलर भी, सारी चीज़ें जो है वो सोलर पे चल रही हैं हमारी। इसके अलावा वेल्डर लगा हुआ था, वो सारे घर की लगी हैं, आपको पता है रीलिंग वगैरह, और हमारे बाहर लॉन की लग गई है वो जो मैंने आपको दिखाई थी, फेंस लगवानी है वाइट वो भी लग गई है, पेंट होने हैं सब पे जो सीढ़ियों के लगी हैं, क्योंकि जो ब्राउन कलर है ना ये लोहे के ऊपर वो रगड़ाई करवा के और उसके ऊपर एक पॉलिश होती है इसके अपनी, जिससे लोहे में जंग नहीं लगता ये वो लग कर आता है। सो काफ़ी लड़कियाँ बोल रही थी ब्राउन कलर खूबसूरत नहीं लग रहा, मेरी अपनी बहन भी बोल रही थी ये तो ब्राउन कलर क्यों करवाया है, मैंने कहा ये लोहे का कलर है हमने नहीं करवाया, अभी हमने कलर करवाना है इसके ऊपर, हमारा डस्ट गोल्ड कलर होगा काले और डस्ट गोल्ड का। फिर बीच में मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग में बताया, नहीं नहीं ये पता नहीं देखिए, चलो चेंज करते हैं अभी हम जा रहे हैं वैसे भी ना जरूरी काम से। तो भाई हम आ गए हैं, ये देखो थक गया, मेरी गोद में सो गया ये। सो ये अरमेश, अस्सलाम वालेकुम, हेलो तस्वीर, अस्सलाम वालेकुम, कितनी प्यारी लग रही हो, अब हाय हेलो अरमेश, तो बटरफ्लाई बनी है, नहीं मैं बनाऊंगी ब्लॉग, मैं ब्लॉग बनाऊंगी, ये देखें जी। सो ये बहुत ही खूबसूरत बना यार, इतना खूबसूरत कि कैमरा ना जस्टिफाई नहीं कर सकता, बहुत खूबसूरत बेड बना है माशाल्लाह, जितना मैं बोलूँ ना कम है। और इसके अलावा ना कमरे की लुक निकली है जो, ये देखें क्या लग रहे हैं ये लटके हुए झूमर बेड, और ये इतना मेरा, मैंने ना इस बेड का जो ठेका था ना वो रमज़ान से भी पहले, मतलब रमज़ान जब स्टार्ट हुए थे ना तब दिया था ठेका, तो उस टाइम पे काफ़ी लोग प्राइस पूछ रहे थे ना, इसकी जो ऊपर वाला बेड था ना वो हमारा 180 में बना था, और वो तो हमने रमज़ान से भी पहले दिया था, रमज़ान में बन गया था लेकिन वो बहुत कॉस्टली बना था। लेकिन अब जो है ना यही रेट चल रहा है बेड का, ये वाला जो बेड है ना ये हमारा 130 में बना है विद रेंट वगैरह सब कुछ बता रही हूँ मैं आपको, और ये उससे ज़्यादा खूबसूरत बना है, आप पूरी वॉल देखें कितनी प्यारी है, फिनिशिंग इतनी अच्छी है ना कि एक सुराख नहीं है इस पूरे बेड के अंदर, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे अभी प्राइस बता देना तो मैं इसलिए प्राइस बता रही हूँ। उस ऊपर वाला जो बेड है ना उसकी इतनी फिनिशिंग नहीं है क्योंकि आप लोगों को तो नजर नहीं आता, इसका आपको देख रहे हैं कहीं पे भी एक सुराख पेज कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो ये लोग ना प्रोफेशनल काम करते हैं तो ये इन्होंने बनाया, ये लोग ऑलरेडी बना रहे थे, जो उन्होंने बनाया था ना मेरा बेड वो उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरा ही बनाया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ईद के बाद आपको चेंज करके दूंगा, सही नहीं बना मेरा हाथ कट गया था इससे ना, ये वाली जो चीज़ है वो निकली हुई थी बाहर में, शीशा साफ हो रही थी तो मेरा हाथ कट गया था बहुत जोर से, फिर मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा आपने कैसा लगाया, मेरा हाथ कट गया, कह रहे थे ईद के बाद चेंज करके दूंगा, नहीं करके थी, काफ़ी लोग होते हैं कमिटमेंट पूरी नहीं करते अपनी, पैसे ले लेते हैं काम पूरा नहीं करते, बट खैर इन लोगों को फिर इनके साथ मैंने तरीका ये रखा था ना कि इन्होंने खुद मुझे कहा था अब हमें हाफ पेमेंट एडवांस देंगे और हाफ काम होने के बाद, तो उन्होंने मेरे से 50,000 एडवांस लिया था, सो बाकी जो रह गया था ना वो फिर जब इन्होंने सारा काम करके दिया, और इवन इसके अंदर मेरा स्टोरेज जो पफी है ना इन्होंने मुझे इसमें स्टोरेज बना के दिए, क्योंकि मेरे PR पैकेज बहुत ज़्यादा आते हैं ना यार, बहुत PR पैकेजेस आते हैं, सो वो बंदा इसमें डाल लेता है, क्योंकि फिर मैं ले लेती हूँ उस वजह से कि यार गिव अवे में ना मेरे अपनी ऑडियंस के काम आ जाते हैं वो। और इसकी टेबल्स इन्होंने इतनी खूबसूरत बना के दी ना, सेम ऐसी टेबल्स के बाद मेरी उनसे भी हुई थी कि मुझे डीको में टेबल्स चाहिए, उन्होंने नई बना के दी, शीट के ऊपर ना डीको पैंट होता है, सो आप देखें कितनी खूबसूरत जो है उन्होंने टेबल्स बना के दी हैं, ये देखें। इसके अलावा इसमें मैंने 3 दराज रखवाई हैं, ये ऐसे, ये देखें, ये भी देखें अंदर PR पैकेज पड़ा हुआ, दोनों साइड पे ना 3-3 दराज हैं, और फिर दरमियान में सेम वैसे स्टोरेज है जैसे उसका स्टोरेज था, लेकिन ना इसके स्टोरेज में जो है ना वो मैंने खाने रखवाए हैं वो मैं आपको दिखा दूंगी। ये पफी देख लें आप कितना खूबसूरत बना हुआ है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे अभी बेड नहीं दिखाया, बेड नहीं दिखाया, मैंने कहा चले मैं आज बेड दिखा देती हूँ आपको, आज वैसे भी संडे काम वाली भी नहीं थी आज, तो बस सफाई वगैरह करके नाश्ता करके फ्री हुई हूँ, फिर उसके बाद मैंने कहीं जाना था पिंडी काम से, मैट्रेस लेने जाना है, मैट्रेस भी मैंने नहीं लिया अभी तक, टाइम ही नहीं मिला यार कितने दिनों से मैट्रेस, अभी ना मेरी नंदे भी आना है तो वो काफ़ी टाइम बता रही हूँ, मेरी नंद के साथ ना मेरी बहुत दोस्ती है, मेरी शादी से पहले की दोस्ती उसके साथ, तो हम लोग ऐसे रहते हैं जैसे मेरी ना कभी मेरी नंद से कभी लड़ाई नहीं हुई यार, आज तक मेरी नंद से रिकॉर्ड है मेरा कि वो ना मतलब उसको मेरा इतना पता है ना कि अगर कोई मसला हो जाता ना वो कहती भाभी को जरूर कोई बात बुरी लगी होगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा जो भाभी ने ये चीज़ की, मतलब मेरा और उसका ऐसा बॉन्ड है कि उसको कोई मेरे खिलाफ नहीं भड़का सकता और मुझे कोई उसके खिलाफ नहीं भड़का सकता, कोई मेरे सामने उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता और उसके सामने कोई मेरे खिलाफ बात नहीं कर सकता, हमारी वाली बॉन्डिंग। और आयान जो है उसका बेटा, मैंने काफ़ी वीडियोज़ आपको दिखाया है, वो कल भी मेरी बात होती कहता मम्मी मेरे भेरिया आना है भेरिया आना, मैंने कहा आओ ना बेटा मैं कब से वेट कर रही हूँ, स्लाइड वाला झूला लगवाया है मैंने आपके लिए, सो मेरी ये कोशिश है कि बच्चों के आने से पहले लॉन रेडी हो जाए, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना कि आयान लोगों ने आना है तो रीलिंग लगवाओ सीढ़ियों की, तो शुक्र है रीलिंग लग गई है सीढ़ी की, मुझे टेंशन नहीं है कि बच्चे आएंगे तो चोट ना लग जाए उनको। स्विमिंग पूल का आयान को बहुत वेट था कि मामी आपको स्विमिंग पूल कब रेडी होगा, अब आकाश का मन कहा पूल ना नहीं नहीं उसको कॉल करें ना, सिर्फ मोटर रहती है उसका सारा तो काम हुआ हुआ है, मंगा सकते तो उसको कॉल करता हूँ, थोड़ा सा ना उसकी भी पेमेंट का इशू था कि उसकी पेमेंट भी मुझे इसके टेबल इस वजह से बहुत पसंद है, इसमें कोई जोड़ नहीं नजर आता, लगा पेज नहीं नजर आता और फिनिशिंग कितनी इतनी खूबसूरत बना के पूरे बेड की फिनिशिंग बहुत अच्छी है,
बैक बॉल इन्होंने, कोई शक नहीं, कोई कट नहीं, कोई कील नहीं, कुछ सफा कहीं से भी किसी भी जगह से कोई सिलाई कोई कील कुछ नजर नहीं आता। देखिए उठवा के दिखा देना दरमियान से स्टोरेज, उन्होंने काम किया बाकी कैसे मंगा जाते हैं इनके ना, इनको तुम फ्री में शावर उड़ देना। वैसे आपको पता है पेमेंट होती है अगर किसी को प्रमोट करना मंगा सकते हैं इनको तुम। इसकी ना दरमियान में स्टोरेज हमने अपनी शीट देकर लगवाई है, लेकिन ये मैंने बॉक्सेज रखवाए हैं सामान के लिए। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये भी। चले बंद करवा रहे हैं, बिस्मिल्लाह मेरा हाथ आएगा, छोड़ दो ये ले। अच्छा अभी देखना ये पूरा बेड है ऐसे बहुत ही खूबसूरत था, इसमें मैंने शीशा नहीं लगवाया था, थोड़ा सा चेंज करवाया क्योंकि मैंने, और इसकी टेबल जो है वो वॉल हंग नहीं करवाई है, इसकी टेबल नीचे रखवाई थोड़ा सा चेंज करवाने के लिए। अब बेसमेंट में जो बेड बनवाना है ना वो रह गया बस खाली, उसका मैं कह रही हूँ पहले ना उसकी वो बन जाए ना, जो मैंने वॉकिंग वार्डरोब आपको दिखाई है वॉकिंग क्लोजेट वो बन जाए ना, फिर हम बनवाएंगे उसका बेड वेड, क्योंकि अभी बेसमेंट के बेड की जरूरत नहीं, ये वाला जरूरत था क्योंकि हमारे घर में ना कोई एक्स्ट्रा बेड नहीं था। इस टाइम जो दो थे ना मेरे पास बेड तो वो आपको बताया मैंने दे दिए थे, तो अभी मेहमान वगैरह आते हैं लाइक जैसे अबू भी ईद पर आए थे तो अम्मी तो चलें एडजस्ट कर लेती हैं, अबू फिर बेचारे सोफे पे सोए थे और अभी बाद में वो इसी वजह से नहीं आए कि इनके घर में मसला हो रहा है, काम भी चल रहा था, वरना वो कह मैंने उनको कहा था कि अम्मी अबू को मैंने 3-4 दफ़ा कॉल की थी कि अम्मी आप आ जाए मेरी तरफ, आप आ जाए मेरी तरफ, हम कहती हैं अबू का मसला होगा सोएंगे कहाँ पर वो, तो चलें अब एक बेड हो गया, अब मसला नहीं होगा, बस मेट्रेस लाऊंगी इंशाल्लाह, थोड़े से पेमेंट आती है तो फिर उसके बाद जो है, क्योंकि आपको पता है अभी सोलर लगवाया इतना खर्चा हो गया है, अभी बिल्कुल मेरा अकाउंट जो है ना वो सिफर है, अभी मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया हुआ है, सो वो भी मेरी पेमेंट भी आपको पता है उसकी आती है ना YouTube की, वो 22 को आती है, अब तो और लेट आती है, अब 1st को या 2 को पेमेंट मिलती है, तो पिछले मंथ की जो मिली थी वो मेरे घर के कामों में लग गई है, और सोलर भी मैंने लगवाया था, मैंने कमेटी डाली हुई थी मेरी बड़ी बहन के पास कराची में, तो वो 50,000 की कमेटी थी, 20 मेंबर थे, वो मेरी अप्रैल में निकलनी थी, तो फिर 7 और पैसा डाल के फिर हमने सोलर लगवा लिया था इस वजह से, तो ये सारा सीन था, क्योंकि सोलर की पेमेंट जो है ना वो इकट्ठी नहीं जाती है, इंस्टॉलमेंट में जाती है, लाइक वो 60-50% एडवांस ले लेते हैं और उसके बाद लेते हैं 30%, अभी भी सोलर की कुछ पेमेंट रहती है, वो जब आपका ग्रीन मीटर लग जाता है फिर वो जाती है सोलर की पेमेंट, ठीक है। अब खैर ये सारा बेड वगैरह मेरा बन गया, अब आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, मुझे बहुत बहुत पसंद आया यार। अब इसके पर्दे चेंज करने हैं, इसके पर्दे लाऊंगी डस्ट गोल्ड से कलर के, और जो इसकी कुर्सी जो है ना बाहर पड़ी हुई है, कुर्सी आपको दिखाया था मैं शिफ्टिंग में फट गई है, उसके ऊपर ये वाला कलर प्लम कलर जो है ना मैंने चेक किया था गूगल वगैरह पे कौन सा खूबसूरत लगेगा, तो प्लम कलर की 2 चेयर और टेबल्स आ जाएंगी इस कमरे में, और ये कमरा हमारा हो जाएगा रेडी। बस ये है कि बच्चों वाला घर है, पेंट आपको बार बार फ्रेश करना पड़ता है, सो वकास को मैं कह रही थी वॉलपेपर करवा लेते हैं व्हाइट कलर का या सिल्वर या किसी भी कलर का डस्ट गोल्ड कलर का वॉलपेपर, अब वो वाले आए हुए हैं ना एक्रेलिक, तो आप वॉलपेपर के ऊपर अगर निशान पड़ भी जाता है ना इसे साफ करते हो साफ हो जाता है, सो ये वाला सारा सीन है। सो बस इंशाल्लाह अब तो बहुत सारा काम खत्म हो गया, पापा ने पहली बात ये पूछी थी आपके घर के काम खत्म हो गए तो फिर मैं आऊँगा, वरना फिर मैं बाहर स्टे कर लूँगा होटल वगैरह में ना, मेरे पापा ने जितने टाइम पर मेरा घर बनता रहा है ना बिल्कुल, पापा जब हम घर में शिफ्ट हुए तो नहीं आए, हम लोगों ने दिसंबर में उन्होंने आना था, फिर उन्होंने कहा कि तुम खुद परेशान हो किचन नहीं था बना हुआ, कितना मुश्किल गुजारा किया है मैंने यार, टच भी नहीं हुआ आप नजर आ रहा है मेरे फेकल्स बिल, फिर से मुझे फिर से ब्लड डिफिशियंसी हुई है, वो जो मैं समझती कवर हो गई होगी उसके बाद ना मिसकैरेज के बाद से वो मैंने डाइट वगैरह नहीं सही ली है, अब मैंने फूड स्टार्ट किया, दवाई दी थी डॉक्टर ने मुझे एक फीफोल यानी कौन सी वो पूरे मंथ लेनी थी मैंने वो भी कोई एक हफ्ते ली है बस दवाई, तो मैंने अभी टेस्ट करवाया था अपने तो मुझे टक्कर आ रहे थे बहुत ज्यादा ना, मैंने टेस्ट करवाया मेरा HB9 का आया हुआ है, तो आप नजर आ रहा होगा मेरी छाई देखें प्रोमिनेंट होनी शुरू हो गई, हमेशा जब आपको ब्लड की कमी होती है ना फिर ये छाइयाँ यहाँ पे प्रोमिनेंट होने लग जाती। क्या आया है वकास, मैं समझी काम वाली आ गई है, मंडे है ना, क्या है अजरक माना अजरक क्या होता है मेरा है वो, अरे मेरे पास तो इतनी पॉलीथीन शीट पड़ी थी मैंने कपड़े फिर शॉपर्स में बैग्स मतलब किसी ने पैक किए हैं, इसमें पैक हो सकते थे, अब तो मैंने कहा क्या पैक रखे हैं पार्सल गाड़ी में, पता नहीं कब देकर आओगे आप, अल्लाह ही जाने यार, आज, आज तो फिर ही होना दे होना, ये ब्रांड का कार्ड होगा, मिस नताशा और इंस्टाग्राम यूट्यूब क्वीन, क्वीन घर के काम करा के क्वीन, हेयर इज अ स्मॉल टोकन ऑफ लव 50% फॉर योर फॉलोअर डिस्काउंट को दिखाना, वाह व्हाट अ बैग, व्हाट अ बैग लश है ना, आप आज मुझे अच्छा भला वकास ने ऑफर दी थी, आज पटरियाटा चलते हैं, मैं कह रही हूँ पटरियाटा नहीं जाना, मरी जाना, मरी बहन जाना, फिलहाल कहीं जाना, इसमें बुक्स भी डाल सकते हैं बच्चों के लिए, भेज दो, ओ ग्लिटर आ गया मुझे चाहिए थे ये, थैंक यू अल्लाह ताला, आप कितने अच्छे हो यार, मुझे एक चंकी ग्लिटर चाहिए थे, मेरे अर्मिश ने खराब कर दिए थे यार,
मैं कल ही सोच रही थी मैंने एक वीडियो करनी चंकी ग्लिटर पे, मेरे पास ग्लिटर नहीं है, लिटरली इसी पैलेट के बारे में सोच रही थी मैं। कचरा डाल के भेजते है ना बेक, खराब ना हो ग्लिटर। थैंक यू यार अल्लाह ताला, आप कितने अच्छे हो यार। सो बस खैर ये मेरा आज का व्लॉग था, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसा है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। बाकी बेड जिनसे बनवाया था ना उनको मैं इंस्टाग्राम पे टैग कर दूंगी, क्योंकि उनका इंस्टा का अकाउंट है, आप लोग वहां पे जाके फॉलो कर लेना। ये मेरे पति देव हैं। अच्छा यार हम लोग अम्मी लोगों की तरफ भी गए थे ना, तो अम्मी कहीं गिरी थी बेचारी ना, तो उनका घुटना पूरा स्वेल हुआ, स्वेल नहीं हुआ था पर्पल हुआ हुआ था। अब वो घर पे गर्म पट्टी बांध रही थी, इवन यूसुफ भी आ गया था, फिर भी डॉक्टर के नहीं गई है। फिर खैर वकास पैसे वगैरह देख रहे थे अम्मी को कि आप जाएं डॉक्टर के टेस्ट वगैरह करवाएं, अब्बू को भी पैसे दिए थे कि आप भी टेस्ट करवाएं, फिर उन दोनों ने अपना चेकअप वगैरह करवाया नेक्स्ट डे। तो अम्मी का जो है वो घुटना हिल गया कहीं गिरने से, और गिरी किधर है उनको ये भी नहीं पता, क्योंकि ना माशाल्लाह मेरी सास जो है ना वो घर में नहीं बैठ सकती है, क्योंकि वो शुरू से जॉब वगैरह करती नहीं है ना, तो उनका आदत नहीं है घर बैठने की। अब वो कह रही है जाहिर सी बात है मैं कहीं ना कहीं जाती रहती हूँ पूरा दिन, तो मुझे पता नहीं है कि मैं किधर गिरी हूँ किधर नहीं गिरी हूँ। तो अब उनको कहीं से लग गई है, उनको पता भी नहीं लगी किससे। तो डॉक्टर ने कहा है कि क्योंकि ना आपको काफ़ी दिन से लगी हुई थी, और स्वेलिंग की वजह से जो है ना वो थोड़ा सा आपका घुटना भी हिल गया, और उससे भी वो चलती रही है। अभी पिछले दिनों तो अबू के घर गए थे वो लोग ना, और एक फोत की हो गई थी जहाँ पे वकास गए थे, तो अम्मी नहीं जा सकी थी क्योंकि अम्मी उसी दिन गिरी थी, तो वहाँ पे भी फिर अफसोस करने चले गए वो लोग। फिर डॉक्टर ने उनको कहा है कि जैसा वो लोग मुझे बता रहे थे कि डॉक्टर ने कहा कि एक महीने रेस्ट करो। बाकी अब्बू के सारे टेस्ट क्लियर आए थे, अब्बू के ना इन लोगों ने नए टेस्ट नहीं करवाए, वही जो अप्रैल में करवाए थे वही रिपोर्ट भेजी है वकास को उन्होंने कि ये जो टेस्ट है। फिर मैंने कहा कि नए क्यों नहीं करवाया वकास, टेस्ट वगैरह देते हैं पता नहीं भाई उनकी मर्जी है। तो जो टेस्ट करवाए थे उसमें एच बी अब्बू का आया 14.5, ई सी जी भी करवाई है वो भी अब्बू की क्लियर थी ई सी जी। अब उनका भी यही मसला है कि डॉक्टर ने बोला है कि भाई इनको रेस्ट करवाएं आप, मतलब अब वो जो काम अब उन्हें जैसे ईद लगाई है ना, स्टिचिंग का काम करते हैं ना वकास के अबू, पुराना ठिया है तो ईद लगाई है। अब ईद पे चांद रात तक भी ना, ईद पे ना सोते भी दुकान पर ही थे, अब बताएं दुकान पे बंदा कैसे सो सकता है काउंटर्स के ऊपर। फिर थकावट तो होनी थी ना, पता नहीं क्यों अबू काम करते हैं कि इनको हेल्प आउट करने के लिए। हमने तो अबू को 17 दफा मना किया है कि आप काम नहीं किया करें, खर्चा कपड़े दवाई मेडिसिन टेस्ट हर चीज के लिए वकास करते हैं यार, उसके बावजूद भी अब्बू काम करते हैं। फिर अब अब्बू की तबीयत खराब होनी होनी थी, हम सबको पता था कि अब्बू की तबीयत खराब होनी थी, क्योंकि अब्बू को ना हेपेटाइटिस सी रहा है पहले जब हम ज्वाइंट रहते थे, तो सही हुआ है हेपेटाइटिस सी उनका। अब उसके बाद उनको इतना काम करने की, मतलब उनको इतना काम करना चाहिए ठीक है, सही है बंदे के अपने हाथ पे पैसे होने चाहिए। अब जैसे मैं खुद काम करती हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता वकास पे डिपेंड होकर बैठी रहूँ मैं, शुरू से आ जाते हैं। अम्मी ने शुरू से डाली हुई है कि हद से पहले ट्यूशन पढ़ाते थे, स्कूल में जॉब करते थे, फिर ही बैठने नहीं देती थी अम्मी कि अब तुम लोगों ने पढ़ लिया है अब तुम लोग खुद करो अपना, तो ये वाले सारे सीन होते थे। तो अब्बू को भी आदत है शुरू से जो बंदा काम करता है। और दूसरी बात है कि अम्मी भी बोलती है कि नहीं भाई घर नहीं बैठना, बर्थ घर बैठ जाते हैं ना आपको पता है, चिक चिक पिक पिक घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बातें होती रहती है, ये वाला भी सीन होता है ना। तो अभी डॉक्टर ने भी यही बोला कि अब उनको काम नहीं करवाना। अब मैं कह रही थी अब फिर बकरा ही थे, फिर अब्बू का स्टिचिंग का काम होगा, अब्बू ने फिर काम ले लेना है। अब देखें क्या करते हैं, कह तो रहे कि नहीं अब नहीं करूंगा काम, छोड़ दूंगा दुकान, अब पता नहीं छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे अल्लाह ही जाने। तो बस यार ये वाली सारी चीज़ है। तो बस यहाँ पे बिजी थे, फिर मैंने बीच में हलीम बनाया था, बिरयानी बनाई थी बीच में मैंने, और क्या बनाया था मैंने, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। ओपले कब बनाया था, ओपले क्या होते हैं, अभी जो है मैं नीचे आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। आज मंडे है, 3 दिन से इस व्लॉग को मैं एडिट करने की कोशिश कर रही हूँ, एक पार्ट एक दिन रिकॉर्ड किया, दूसरा पार्ट दूसरे दिन रिकॉर्ड किया, तीसरा पार्ट आज, और आज अलग रहेगा ये व्लॉग एडिट होके लग जाएगा और आप लोग देख लोगे। सो अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना व्लॉग कैसा लगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।